दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओह, मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। मुझे सोने की तैयारी करनी चाहिए। अगस्त्य, तुम उठ गए? मैं अभी अंदर जाने ही वाला था। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। और इस बार काम करते हुए मैंने एक गजब की चीज ढूंढी है। सच में? क्या आप हमें बता सकते हो? नहीं सिम्बा, मैं अभी उसके बारे में नहीं बता सकता। अभी कुछ प्रयोग करने बाकी है और जब वो पूरे हो जाएंगे तो दुनिया बदल सकती है। मुझे जब लगेगा कि वो सब तैयार है मैं बता दूंगा। कुछ तो इशारा दीजिए, हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, भूल जाओ। मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला, तुम लोग जाओ। कब तक तैयार हो जाएगा? वो तो समय ही बताएगा। ओह, चलो चल के खेलते हैं। हाँ, वैसे भी ये उस चीज के बारे में तो बता नहीं। जैसे ये काम पूरा हो जाएगा विज्ञान की दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। तुम बहुत जिद्दी हो अगस्त्या। मैं थका हुआ हूँ। कम से कम एक इशारा तो दो। अरे ये दोनों, चलो शादी तो हुई। क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? क्या? खरगोश की, वो यही गई है। ओहो, तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आज तो मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। हाँ, मुझे पता था। भागो खरगोश, भागो। तुम्हारे पास मुझे पकड़ने जितना दिमाग नहीं। आज तुम सिर्फ बकशॉट की वजह से बचे हो। उसे मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना। मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। तुम्हें इस तरह मेरे रास्ते में आने का कोई हक नहीं है। हट जाओ वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। सिम्बा, तुम्हें मजाक समझ नहीं आता क्या? तुम ये सब करके बच नहीं सकते। बचाओ, बचाओ मुझे। सिम्बा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे? अच्छा माफ कर दो, छोड़ो। सिम्बा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि मैंने खरगोश को भगा दिया था। ये सही बोल रहा है? सिम्बा के पकड़ने से पहले? बिल्कुल। सिम्बा, क्या तुम हमें खरगोश दिखा सकते हो? ठीक है, पर सिर्फ मैं उसे पकड़ूंगा। जैसे वो जल रहा है, धुआं आ रहा है। हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। हाँ चलो। ऑगस्टीन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ऑगस्टीन, मेरी बात सुनो, क्या तुम अंदर हो? ऑगस्टीन, यहाँ बहुत धुआं है, मैं अंदर नहीं जा सकती।
जाएगी। ये धुआं बहुत खतरनाक है। काश कि वो ठीक हो। फॉर्मूला बच गया। मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, मैं प्रयोग कर सकता हूँ, फॉर्मूला बच गया। क्या बात है, खुशी की बात है। सुनो, मेरा फॉर्मूला बच गया। ऑगस्टीन, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। मेरी खोज को कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ खराब हो गया था ऑगस्टीन? हो सकता था, पर सबसे जरूरी यही है। अब सीधे रहो, मुझे दवा लगाने दो। ठीक है, देख लो, पर जरा जल्दी करना। एक बार देखने तो दो। क्या वो सही है एलेक्स? क्या वो बच जाएगा? हाँ बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं चलती हूँ, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास है। बताओ तो आखिर इसमें है क्या? अभी तक तो ये एक राज है, ये बहुत ही नायाब प्रयोग है मेरा। लगता है इस प्रयोग से तुम बहुत ही खुश हो। क्या आपके प्रयोग की वजह से ये धमाका हुआ? नहीं, दरअसल वो एक अलग प्रयोग की वजह से हुआ। आपके हाथ में क्या है? ये मेरा बहुत ही खास फार्मूला है, ये सच में बेमिसाल है। मुझे शेर खान को जाकर बताना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि ये धमाका नहीं करेगा? अब क्या हुआ तबाकी? माफ कीजिए हुजूर, क्या मैंने आपको जगा दिया? बिल्कुल, तुमने मुझे उठा दिया, लेकिन लगता है कि कोई जरूरी बात है, बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त्या ने कोई नई खोज की है। हमको उसके बारे में भी पता करना पड़ेगा, क्या है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसको पास गया तो मुझे मार देगा। बंदरों को ढूंढो और अगस्त्या की खोज को मेरे पास लेकर आओ। जी जी हुजूर, अभी क्या अभी। मुझे लगता है कि एलेक्स मरीजों की सेवा करने जा चुकी है। मोटू, उठ जाओ, आलसी मत बनो, जल्दी करो। क्या तुम खजाना ढूंढना नहीं चाहते? नहीं, बाद में, मैं थका हुआ हूँ, सो जाओ वापस। पर मैं तो जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे खजाना दिखता है। आखिरकार हम अमीर हो गए। क्या? कैसे? क्या तुम्हें खजाना मिला है? बतलो। वो एक सपना था। अगस्त्या बहुत कुछ छिपाते हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा, वरना मैं उनकी प्रयोगशाला में अभी चला जाता। फिर हमें पता चल जाएगा कि वो किस चीज की खोज कर रहा है। वाह, क्या ख्याल आया है, अगस्त्या कुछ छुपा रहा है, वो भी अपनी प्रयोगशाला में। शायद उसको हीरे या सोना मिल गया होगा। वो तो सबको पता है, चलो अब हमको जाना ही पड़ेगा। आखिर मैंने वो फार्मूला ढूंढ लिया, गायब होने वाला फार्मूला। दादाजी ने पूरा जीवन लगा दिया इसे ढूंढने में, और मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। इसको कहीं संभाल कर रख देता हूँ, देखता हूँ कौन सी जगह इसके लिए सही रहेगी। पतलू, क्या चल रहा है? वो सोने जा रहा है, और सोने से पहले उसने कुछ छुपाया था। श्श्श।
तो क्या देखा तुमने? कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें अमीर बना दे? उसने दो सुंदर सी बोतल छिपाई हैं। जब वो सो जाएगा तो हम जाके उसे ले आएंगे। ठीक है, चलो मेरे पीछे। उसकी खोज को चुरा लो और शेर खान के पास ले आओ। तुमको छुप कर जाना नहीं है, इसलिए तुमको बोलना आसान लग रहा है। सब पता चल जाएगा। लेकिन हमें लाना क्या है? जो बोतल भरी हुई हो उसको ले आओ। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, शेर खान को जाकर कह दो कि हम नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। चलो हम जाते हैं। आखिर कब तक सोने वाला है ये? चलो उठ तो गया। ये काम सही हुआ। रात के सूप के लिए कुछ जड़ी बूटियां ले आता हूँ। रास्ता साफ है, अब मैं निकल जाता हूँ। चल चलते हैं, अब वो चला गया। चलो तुम दरवाजे पे पहरा दो, मैं ढूंढता हूँ। इन छोटे छोटे पिद्दियों ने हमसे पहले खजाना ढूंढ लिया है। हम उनका इंतजार यहीं करते हैं। नहीं कहा, उनको सारे काम करने देते हैं, फिर हम उनको पकड़ लेंगे। जल्दी करो मोटू, अगर हम पकड़े गए तो फिर हम फंस जाएंगे। इसके पास तो बहुत सारी किताबें हैं। मोटू ये समय नहीं है किताबें पढ़ने का, समझ गए तुम? शायद यहाँ पर है, नहीं वहाँ पर, शायद यहाँ भी नहीं। यही तुम्हें दरवाजे पे खड़ा करना चाहिए था। अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, पर कुछ तो डरावना है अंदर। आखिरकार लगता है वहाँ छिपाया होगा। मोटू क्या तुम्हें खजाना मिला, बोलो। नहीं, उसका रंग देखो। क्या क्या मिल गया है तुम्हें? इसकी खुशबू अच्छी है। इंतजार की हद हो गई, अब चलो। चलते हैं। मोटू इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या किया तुमने? मुझे प्यास लगी थी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कुछ भी नहीं पी सकते क्योंकि तुम्हें पता नहीं वो क्या चीज है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे काफी हल्का महसूस होने लगा। भूत मत लो, क्या बात है? बचाओ, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। अरे पतलू क्या बोल रहे हो, मैं तो ये तुम्हें हो क्या गया है पतलू? तुम ऐसे मुझे भी नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, मैं भी गायब हो सकता हूँ। चलो जल्दी करो। क्या ये तुम ही हो? हाँ, ये भी कैसे बेवकूफी वाला सवाल है। और कौन है जंगल में जो लाल और सफेद रंग की कमीज पहनता है? वो क्या है ना कि मैंने अपने दोस्त को कभी गायब होते हुए नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा, भरोसा कर लूंगा? वो भूत है, वो बाहर आया और बात कर रहा क्या था। तुम लोग उसकी प्रयोगशाला गए? मुझे पता है कि ये अगस्त्य की कोई चाल है, पर शेर खान इस पर भरोसा नहीं करेगा, समझे? चलो चलते हैं। चलो हम वापस चलते हैं। चलो चलो चल जल्दी करो। मैं पहले जाऊंगा। मैं पहरा देता हूँ।
ये क्या है? ए, मुझे भी चाहिए। स्वादिष्ट है। बचाओ, हम नीचे नहीं आ पा रहे हैं, ऊपर अटक गए हैं, नीचे उतारो। मेरी प्रयोगशाला, फार्मूला, ये कहाँ चला गया? नहीं, ये तो सब खराब हो गया, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। जोर की आवाज आई और बहुत धुआं भी था उसके पेड़ से। क्या पहले भी ऐसा हुआ है कभी? हाँ, काफी बार हुआ है। पिछली बार पूछ जल गई थी उसकी। क्या हम देख सकते हैं बकीरा? मुझे लगता है अगस्त्या को खुशी होगी ये बताने में कि कैसे हुआ। अगस्त्या, कोई आ रहा है। अगस्त्या, कैसे हो? बहुत दुखी हूँ, कोई मेरी प्रयोगशाला में आया और मेरी खोज लेकर चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हें पता है कौन थे? मेरे ख्याल से बंदर थे। हमें पता है उनको कैसे पकड़ना है, हम तुम्हारी चीजें वापस लेकर आएंगे। ये जरूर तबाकी होगा, मैंने उसे धमाके के समय यहीं आसपास देखा था। अभी ही सबको सूचित कर देंगे। हाँ, क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हमें इतना पता है कि वो गायब करने वाली दवा है। हाँ, पर मैंने सारी पी ली, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा कमाने के लिए। हमें वापस जाकर उसको बताना चाहिए। मोटू और पतलू, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्या माजरा है, क्या मैं कोई भूत देख रहा हूँ? ओह, अब ये जाके सबको बता देगा तुमने अगस्त्या की दवा पी ली है। अगर तुमने बताया होता कि क्या ढूंढना है तो मैं गायब ना होता, बस वो ज्यादा गुस्सा ना हो। हमें हमारी खोज बंद कर देनी चाहिए दोस्तों। हाँ हाँ, मैंने पतलू को अभी एक गायब हुए आदमी से चलते हुए देखा है, उसने मोटू के कपड़े पहने हुए थे और टोपी भी। लगता है मेरी दवा पीकर वो गायब हो गया है। ठीक कहा, वो यहीं आ रहे हैं अभी, मगर एक गायब है। माँ, देखो एक भूत आ रहा है। नहीं पकड़ू, वो बस एक चोर था और मेरी खोज को चुरा कर ले गया। मुझे एक बार तुम्हारी जांच करनी होगी। हाँ, चलो देखते हैं। तुम्हें कैसे समझ में आएगा अगस्त्या, मैं तो गायब हूँ ना। वो चूहा, उसने ही चुराया होगा, हमें उससे इज्जत करने का एक पाठ पढ़ाना होगा। नहीं सिम्बा, उसको अपना सबक अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस फॉर्मूले का कोई तोड़ नहीं है, समझे? इसका मतलब मैं हमेशा के लिए गायब हो गया। तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं। तुमने मेरा प्रयोग करने के लिए मुझे समय ही नहीं दिया, अब तुम लोग फंस गए हो। ठीक है तबाकी, उन सबको यहाँ से निकाल दो। मुझे वो चाहिए। वो कौन सी चीज है जिससे बंदर उड़ सकते हैं? बहुत ही आसान है। तुम अगस्त्या के प्रयोगशाला में जाओ और वो दवाई लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। क्या देखिए, मेरी वो क्यों, उन लोगों ने उस दवा को कहीं छुपा दिया होगा हुजूर, कहीं पर। तो जाकर ढूंढो उसे,
मुझे वो जादुई दवाई चाहिए जिससे मैं सिम्बा को पकड़कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। क्या आप गायब होने का फार्मूला चाह रहे हैं हुजूर? वो बंदर तुम्हारा सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई गायब हो जाए। लेकिन मैं अकेले ये काम कैसे कर पाऊंगा हुजूर? मेरा देश है ये तबाखी, जाओ। मैं सारी पी गया था। सबसे पहले तो वो गुलाबी हुआ, हाँ? और फिर नीला हुआ और फिर गायब हो गया। ये क्या कह रहे हो? अगस्त्या मजाक कर रहा था, शायद उसे सबक सिखाना चाहता था। मोटू, अब तो तुम दिखाई पड़ रहे हो मुझे। देखो मैं पहले जैसा हो गया। इस बार हुजूर का काम कर रही हूँ, मजबूरी है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये डरावना है। छोड़ो रिया, जाने भी दो। पूरी तरह मुझे क्या हो रहा है? चलो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी खोज का क्या हुआ। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ खोज दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है। पर आज मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा फार्मूला गलत हाथों में नहीं जा सकता। ये एक गोपनीय प्रयोग है। मोटू, ये तो हमारे खजाने को जला रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे पेड़ पर लटका हुआ मेहमान जो शेर खान के लिए कुछ चुराने आया था, अब नहीं चुरा पाएगा। आज हमने देखा कि अगस्त्य जैसे बुजुर्ग वायर ने भी कुछ नया सीखा। मोटू पतलू को अभी भी अपना खजाना ढूंढना है, और तबाकी अगर वो अपनी हद में रहेगा तो अच्छा होगा। देखिए अगले एपिसोड में कि सिम्बा और उसके दोस्त कौन से नए सफर पे जाते हैं। बक्षत, हाँ? बक्षत, क्या तुम मेरी बॉल को मेरी तरफ फेंक सकते हो? तुम गेंद नहीं फेंक पा रहे हो, ये बहुत आसान है। अच्छा, मुझ पे हंसने की बजाय तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए। ठीक है, चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। ए, बहुत अच्छे, मैं सबको बुला कर लाता हूँ, तुम यही रहना। अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें भी फुटबॉल सीखना है। नहीं, मुझे पहले से सब कुछ पता है, मैं रेफरी बनूंगी। ए, ये गेंद मुझे दो, मैं शुरू करूंगा। इतनी जल्दबाजी मत करो सैम, हमें भी खेलना है। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, सबको खेलने को मिलेगा। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। मुझे भी भागना होगा क्या? इसमें मजा आएगा मोटू, हम यहाँ बहुत मजे करेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया। शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। यहाँ दो टोलियाँ होंगी, तुम गेंद को चाहे तो अपने सिर से या पैर से मार सकते हो। क्या चींटियों ने तुम पर हमला कर दिया है? नहीं बलू, मैं सबको फुटबॉल खेलना सिखा रहा हूँ। अभी ये अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद हम खेल शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, अब आप सब रुक सकते हैं। अब आप सब लोगों का अभ्यास खत्म हो गया, अब मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा। आप लोगों को मैं बॉल फेंकूंगा और आप फिर उसे किक मारेंगे। सिम्बा, बक्षत, सुनो तुम क्यों नहीं कोशिश करते? ओ,
बहुत बढ़िया दोस्तों। सिम्बा इधर इधर। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब सब लोग इस मैदान के चक्कर लगाओ। क्या कर रहे हो मोटू? मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकता, ये खेल मुझे परेशान कर रहा है। बकशॉट, क्या तुम्हारा सर किसी चीज से टकराया था? उसके ऊपर दो छोटे सींग आ गए हैं। रुको मत, सब लोग ऐसे ही चलते रहो। चलो एलेक्स के पास चलते हैं, उसके पास तुम्हारे सिर दर्द के लिए कुछ होगा। मैं उसे लेकर आती हूँ। इसका दूसरा पड़ाव थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे यकीन है कि अभ्यास के बाद आप लोगों को मजा आएगा। इस गेंद को अपने सर से फेंकना है, समझ गए आप लोग अच्छे से? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। अच्छा था, लेकिन सीधे सर से मारना है। ये मेरी बारी थी। चलो चलो एलेक्स। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? मुझे फुटबॉल पसंद नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। बकशॉट, एलेक्स आ रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। मेरा सर फटने वाला है। एलेक्स, ये मजाक नहीं है। क्या चल रहा है? बकशॉट बड़ा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसके सींग आने वाले हैं। क्या? उसके सींग जिससे हम खेल सकते हैं? ये लगा लो बक्शो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अभी तो सिर्फ छोटे छोटे उभार हैं, जब बड़े होगे तो तुम्हारे सींग लंबे हो जाएंगे। वाह! ओहो! यही तो कहा है एलेक्स ने। उसका मजाक उड़ाना बंद करो, वो सिम्बा का काम है। इसका मतलब उसका सिर दर्द कभी नहीं जाएगा। नहीं सिम्बा, पर जब तक सींग नहीं आ जाती तब तक तो दर्द होगा। चलो बच्चों, अब मेरे शहद खाने का वक्त हो गया है। और हमें भी अब वापस जाना होगा। अलविदा। अलविदा। शुक्रिया। अलविदा। क्या अब असली टीम बनाकर असली खेल शुरू करें? ठीक है, पर सर से नहीं मारेंगे। चलो मोटू, हम सबको दिखा देते हम कितना अच्छा खेलते हैं। क्यों, सही कहा ना? तो ठीक है, अब तुम ही लोग सोच लो कि तुमको किसके साथ खेलना है। अगर हम दोनों एक ही टीम में रहे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत जाओगे। तुम सिम्बा की टोली में खेलो, मैं दूसरों के साथ खेलूंगा, समझ गए ना? पर हम तो हमेशा एक ही टीम में खेलते हैं ना। अब क्या सबको समझाने की जरूरत है तुमको? हाँ। मोटू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस नाटक कर रहा हूँ उनके साथ खेलने का। ठीक है, तो क्या सब लोग तैयार हैं? शुरू करें। हाँ।
इधर। बचाओ। धन्यवाद। वहाँ कुछ करने की कोशिश मत करो, मैं देख रही हूँ। ये ठीक नहीं है। मिल गई। ये सही नहीं है, वो कैट छुपा रहा है। वो छुपा रहा है, ये गलत बात है। रुको। सही कहा तुमने, हम शेर खान से गेंद के बदले सौदा कर सकते हैं। अरे मोटू, मेरी तरफ फेंको, मेरी तरफ। मजा आ रहा था। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इससे अच्छा तुम कोई तरीका निकालो मेरी गेंद वापस लाने का। शांत हो जाओ, हम तुम्हारी गेंद वापस ले आएंगे। हाँ, पर कैसे? वो अभी मुझे नहीं पता। तुमने ये क्यों किया? मैं तुम्हें अपना खिलौना दिखाना चाहता था। बाकी तो तुम्हारे पास नई गेंद है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई ऐसी वैसी गेंद नहीं है, सिम्बा के खास दोस्त की गेंद है। अच्छा, और सिम्बा इसको ढूंढ रहा है। मुझे दे दो। हाँ बिल्कुल, पर मुझे क्या मिलेगा तबाकी? क्या? पर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शेर खान को पता चला कि उसके पैसों से मैंने खिलौना खरीद लिया तो मुझे मार डालेगा। तुम्हें ये चाहिए तो कीमत चुकाओ, या फिर मुझे इसे सिम्बा को वापस देना होगा। नहीं, मैं देखता हूँ क्या कर रहा है। हुजूर, हुजूर। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ज्यादा नहीं हुजूर, बस एक अच्छा सा इनाम मेरी मेहनत का। जल्दी बताओ क्या हुआ है। सुनिए हुजूर, मैंने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला है सिम्बा को पकड़ने के लिए, सच बता रहा हूँ। तो पकड़ते क्यों नहीं? वो एक बात है, इंसानों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। आगे बोलो। एक गेंद है हमारे पास हुजूर, और ये सिम्बा के दोस्तों की है, और मुझे यकीन है कि सिम्बा इसे लेने जरूर आएगा। क्या? तो तुम मुझे समझाने आए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं चुप बैठना कब सीखूंगा? माफ कर दीजिए हुजूर, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। हम जरूर पकड़ेंगे उसे। ठीक है,
मुझे वो गेंद चाहिए। हमें हमारा इनाम चाहिए, नहीं तो गेंद नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेर खान को ललकारने की? गेंद दो मुझे। बाकी ने तो कहा आप कुछ भी दे सकते हैं। हुजूर हमें उनको कुछ इनाम देना होगा, अगर हमने नहीं दिया तो जाकर गेंद सैम को दे देंगे। दे दो उन्हें जो चाहिए और मुझे वो गेंद ला कर दो, जल्दी करो। काम बन गया है ना, समझ गए। ये लो, इसके बदले हमें केले दे दो। किस चीज के लिए रुके हो तुम लोग? मैं ये इनाम बाद में दूंगा। हमें वो गेंद चाहिए, शेर खान के पास है और हम वो ताकत से भी नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करें? वो हमारी गेंद है। शेर खान ताकतवर है पर हम भी होशियार हैं। हम उसे बेवकूफ बनाएंगे, यही एक तरीका है। और मेरे पास एक तरकीब भी है जो काम करेगी। ये बहुत आसान होगा। वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है ऐसे? सही कहा, तुम्हें सबसे बेहतर तरीके से गेंद संभालनी है। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। हम समुद्री लुटेरों को जान खतरे में डालना अच्छा लगता है। मोटू क्या कहते हो है? अगर पतलू साथ में है तो मैं भी हूँ। फिर मिलते हैं। ये सब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि वो भी तो एक बिल्ला ही है। हम लोग दोपहर बाद आएंगे। मैं उनके साथ जाता हूँ, कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। सिम्बा ध्यान रखना, वहाँ बहुत खतरा है। फिक्र मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मुझे यकीन है कि इसकी चाल कामयाब होगी। वो सो रहा है, हमें ये जाना होगा कि गेंद उसके पास है या नहीं। मैं यही रुकता हूँ और तबाकी पे नजर रखता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। चलो मोटू, तुम्हें उसकी पूंछ खींचनी होगी। सही कहा। पतलू तुम उस वक्त जाकर गेंद ले लेना। शुरू हो जा।
Again. बहादुर हो जो उसके पीछे गए। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों की जितनी तारीफ करूं वो कम है। तुम लोगों को देखना चाहिए था उसकी क्या हालत हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे तुम लोगों को शुक्रिया बोलूं। ये गेंद बहुत मायने रखती है। ये अपनी गेंद को कितना प्यार करता है, हो सकता है इसके अंदर कोई खजाना हो। तुम सही थे सिम्बा, बुद्धि ज्यादा शक्तिशाली होती है, खासकर जब शेर खान सामने हो। एक बार फिर सिम्बा और उसके दोस्तों ने शेर खान को हरा दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सिम्बा किस तरह शक्ति और बुद्धि की परीक्षा देगा। देखना ना भूलें दोस्तों।